सुजाता संजय, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 1 जुलाई है, जिसे कि पूरे विश्व में डॉक्टर्स दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आज के समय में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई एक दिन हम एक पर्टिकुलर डे के लिए सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो मदर्स डे हो या फादर्स डे हो, बट मुझे ये लगता है कि किसी एक दिन का सेलिब्रेशन नहीं, अगर हमें किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना है तो हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर्स का जितना दायित्व अपने मरीज के लिए होता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रोफेशन में इतना ज़्यादा लोग समाज के लिए या व्यक्ति के लिए समर्पित रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स अपने परिवार को भी अनदेखा कर देते हैं बहुत बार अपने कार्य के समर्पण के लिए। तो ज़रूरी है कि जितना समर्पण एक डॉक्टर का अपने मरीज के लिए होता है, उसी प्रकार एक मरीज का उत्तरदायित्व है कि वो अपने डॉक्टर के प्रति भी पूरी तरीके से फेथफुल रहना चाहिए, उसको अपने डॉक्टर के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन ही विश्वास पर आधारित होता है। जैसे कि आज के समय में बहुत ज़्यादा ये खबरें सुनने को मिलती है कि कहीं किसी कारणवश कोई अनहोनी होने पर समाज के द्वारा या उस मरीज के परिजनों के द्वारा डॉक्टरों को नुकसान पहुंचाया गया। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं डॉक्टर भी एक इंसान है, वो भगवान का रूप तो नहीं है, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो मरीज की एक पूरी तरीके से मदद करता उस बीमारी से बाहर निकालने में, कि जिसकी वजह से बहुत बार बहुत सारे मरीजों को एक दूसरा जीवन प्राप्त होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके विश्वास पर निर्भर करता है। जो विश्वास की डोर है वो समय के साथ कमज़ोर हो रही है, तो ज़रूरी है कि आप उस विश्वास की डोर को थामे रखिए और अपने डॉक्टर पे पूरा विश्वास बना के रखिए। डॉक्टर डे का सेलिब्रेशन, जैसे कहा जाता है कि डॉक्टर्स डे जो सेलिब्रेट किया जाता है सारे डॉक्टर्स के लिए होता है, जो अलग अलग माध्यम से सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन किसी भी डॉक्टर के लिए जो असली खुशी होती है, वो खुशी उसके मरीजों के द्वारा जो उसके लिए कहे गए शब्द होते हैं वो बहुत होते हैं, या जब ये मरीज कहता है कि हाँ, आपके इलाज से मुझे ये फ़ायदा मिला, या जैसे कि मैं खुद एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जब बहुत बार ऐसे इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर वो आपके इलाज से फ़ायदा पाते हैं और वो कंसीव कर लेते हैं, तो जो उनके शब्द होते हैं वो ही सबसे बड़ी पूंजी होता है, वो आपको एक खुशी देते हैं, वो हर दिन आपका एक सेलिब्रेशन का डे बन जाता है। चूँकि आज के समय में जैसा देखा जाता है कि ये हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो इस प्रवृत्ति को कम कीजिए, क्योंकि अगर डॉक्टर समाज से ख़त्म हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले वो रक्षक भी समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, जैसे कि बीमारियां, मैंने कहा कि बीमारियां बहुत बार सीजनों से प्रभावित रहती हैं। चूँकि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं हमेशा महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के लिए सतर्क रहने को कहती हूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महिलाएं ही घर का एक आधार होती हैं। अगर किसी कारणवश वो बीमार पड़ जाती हैं तो उनकी बीमारी का प्रभाव उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आज के समय में देखने को मिलती है कि एज के अनुसार होती हैं, और बहुत सारी ऐसी नई बीमारियां हैं जो पुराने समय में नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन हाँ, आज हमारे बदलती जीवन शैली है या ऐसी बहुत सारे खाने की हमारी आदतें हैं जिनके चलते बहुत सारी बीमारी, जो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से PCOD है, फाइब्रॉइड है, बहुत कॉमन होते चले जा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, ट्रीटमेंट से बेटर आपका प्रिवेंशन होता है, तो प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सतर्क रहें, ज़रूरी जांचें समय पर कराते रहें, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहें, उनसे बराबर सलाह मशवरा लेते रहें कि उनके समय के अनुसार उन्हें क्या जाँचें करानी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो सही समय पर सही डिटेक्ट होने से इनिशियली ट्रीटमेंट उनका अवेलेबल होता है, वो ट्रीटमेंट आपका सस्ते दरों पर भी होता है, और आपको आगे बहुत ज़्यादा तकलीफों में या दर्द को सहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन सबसे आप बच जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, चूँकि डॉक्टर्स डे है तो सेलिब्रेशन तो बनता ही है, तो इसलिए अब आप सभी लिसनर्स के साथ साथ मेरे उन सभी डॉक्टर्स को भी ढेर सारी डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।